आइए अब बात करते हैं हरियाणा बजट सत्र की। आज दूसरा दिन था, शुरुआत प्रश्नकाल से हुई और प्रश्नकाल के साथ साथ कुछ विधायकों ने कुछ मुद्दे उठाए, कुछ सवाल उठाए, बीच में गहमा गहमी ही रही और बीच में हंगामा भी बरपा। क्या क्या रहा आज दूसरे दिन का खास, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन के अंदर विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। विधानसभा सत्र के सदन में जय श्री राम के नारों से गूंजा। बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत गीता भुक्कल के सवालों से हुई। गीता भुक्कल ने सदन में शिक्षा के मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। सरकार की ओर से गीता भुक्कल के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। कहां पे बना देंगे, 11 साल हो गए, 2013 में हमने शुरू कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, एनसीटी ने इसको अमान्य कर दिया है। जो एडमिशन लिए जा रहे हैं उनकी बच्चों की डिग्री जो है वो अमान्य है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को बार बार एनसीटी लिख चुकी है। स्कूल एजुकेशन में था, बाद में किन्हीं कारणों से जब लगा कि स्कूल एजुकेशन में संस्थान का होना ठीक नहीं है, इसको हायर एजुकेशन में किया गया। जमीन पहले नहीं ली गई थी, अब जो पीजी गवर्नमेंट कॉलेज झज्जर का है उसी के अंदर जमीन है और पैसे अभी इसका डिजाइन भी अप्रूव हो गया है। आर्किटेक्चर ने अभी 2023 अगस्त में अप्रूव किया है और इसके बाद इसको पीडब्ल्यूडी को आगे करने के लिए और हमने अलॉट कर दिया है। पीडब्ल्यूडी इसको बनाएगा। जो चीज़ 23 में शुरू हुई है, अब 24 तो फरवरी मार्च ही अभी फरवरी, तो 4-5 महीने में इतना काम हो गया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं 15 करोड़ रुपया हमने भेज भी दिया है, वरना तो हर बार ये ऐसे ही लटक रहा था। 15 करोड़ रुपया भेजा है, इसके अंदर डिमांड उन लोगों की ये भी थी इसको शिफ्ट करके गुरुग्राम ले जाया जाए। हमने उसमें भी कहा कि वहाँ बनाएंगे तो अलग बनाएंगे, झज्जर का खत्म नहीं करेंगे, झज्जर का झज्जर में रहेगा, कुरुक्षेत्र में अलग से एक बनाया है, तो इसलिए इसका हम विस्तार कर रहे हैं। हमें भी पता है कि शिक्षक की बहुत ज़रूरत है, बीएड शिक्षक हैं उनकी यहाँ। हाँ, जहाँ तक इसकी मान्यता का विषय है, अगर कोई कमी रही होगी तो मान्यता दोबारा लेने में भी दिक्कत नहीं, दोबारा ली जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो जो इसमें करना आवश्यक है सब करें। चलिए आपको बताते हैं कि सदन के अंदर किस विधायक की ओर से कौन कौन से मुद्दों को सदन के सामने रखा गया। किरण चौधरी ने सदन में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का मुद्दा उठाया। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की ओर से सर्वेक्षण नहीं करने की बात कही। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने सिवान ग्राम पंचायत में पुलिस थाने बनाने का मुद्दा उठाया। अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही पुलिस थाना बनकर तैयार होगा। ईश्वर सिंह से अनिल विज ने थाने के लिए जमीन दिलाने की बात कही। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने डहीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाने का प्रश्न रखा। अनिल विज ने जवाब में कहा कि दर्जा बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्से की ओर से गाँव सिलाना में स्टेडियम का मुद्दा रखा गया। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में परिवार पहचान पत्र का भी मुद्दा उठाया गया। परिवार पहचान पत्र में रही दिक्कतों को लेकर जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सवाल किया, जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री ने देते हुए कमियों को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। ये जो कंप्यूटर पर डाटा ठहरा और ना ही वो जो बच्चे जो गरीब बच्चे उनके जो स्कूल में दाखिल होने हैं तो जिनकी जो ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे उनके दाखिल आया, तो उनको स्कूल आना कहाँ जा, जो सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल है बिन गरीब बच्चा जो स्कॉलरशिप मिली पर दाखिला करा जा, तो जो दाखिला निकल जाएगा उनको तो टाइम नहीं का टाइम पीरियड नहीं होगा तो दाखिला क्यों नहीं करूँगा, तो आकर टाइम निकल जाएगा। वो तो बहुत ही लोग बड़े परेशान हो रहे, उनका दाखिला नहीं होता भी हमारा दाखिला नहीं करे स्कूल में, तो ये तो उनको कहा जा भी थोड़ी देर भी इतना इनकी ठीक हुआ इतना दिन का दाखिला करा जा, ना तो उनकी पेंशन लग दी। बहुत ही बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुनिया इसमें एक मतलब सारा दिन उसमें फिर या तो उसका डाटा ठहरा कंप्यूटर ठहरा कोई भी ठहरा, तो उसका भी कोई ना कोई दलाल तो करना पड़ेगा सर। एडमिशन ये ठीक है कि सरकारी स्कूल अथवा प्राइवेट स्कूल में अब फैमिली आईडी के आधार पर ही उस बच्चे का एडमिशन होता है और उसमें अगर कोई चीज़ गलत है, फैमिली कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जो उठाएगा नहीं डाटा, हाँ कोई उसमें गलती अगर मिलती है या उसमें नाम भी नहीं मिलता है तो तुरंत वो पोर्टल के ऊपर जो ग्रेवेंसेस पोर्टल है उसमें अपना नाम दर्ज करेंगे तो विद इन 30 डेज ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और अगर उसके कारण से किसी का एडमिशन रुकता है तो एडमिशन कराने की जिम्मेवारी हमारी है,
लेकिन डाटा ठीक करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपना एक बेस बन गया हरियाणा में, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही लोगों को सेवाएं सर्विसेज मिलती हैं और लोगों में इसका एक स्वीकार्यता भी हो गई है। एक समय था जब थोड़ा सा इसमें रोष भी था कि नई चीज़ क्या आ गई है, लेकिन उस नई चीज़ का लाभ हमको इतना मिला है कि इसमें आज जो गलत प्रकार का व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि चीज़ें छुपा करके सरकारी लाभ लेने की एक मंशा ये सामान्यतः समाज में व्याप्त रहती है और बहुत सी ऐसी गलतियाँ पकड़ी भी गई हैं, राशन कार्ड बहुत पकड़े गए, पेंशन्स बहुत पकड़ी गई, तो इस प्रकार के सारा चीज़ों को ठीक करने के बाद आज समाज में एक धारणा बनी है कि हाँ ठीक चीज़ ठीक होनी चाहिए। अभी भी कोई गलती रह जाती है तो ये लगातार चलने वाला ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई स्पेसिफिक आपके पास कुछ कहते हो तो जितनी आप लिख के देंगे, पहले भी एक बार शायद कुलदीप जी ने लिख के दी थी, हाँ हमने सारी के सारी एक एक चीज़ ठीक करके उसमें और वापस जवाब दिया था। किसी भी सामान्य सदस्य के पास कोई ऐसा डाटा आता है, केवल उसका फ़ोन नंबर लिख लें, फैमिली आईडी लिख लें और समस्या क्या है एक लाइन में वो लिख लें, इतना लेने के बाद और आप प्रस्तुत करेंगे तो विद इन 30 डेज उन सब चीज़ों को ठीक किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में आंकड़े भी पेश किए। परिवार पहचान पत्र को लेकर 84,34,961 शिकायतें आई, 80,50,611 शिकायतों का निपटारा किया गया, 3,00,000 कमियां अभी भी बाकी है, जल्द कमियों के निवारण के आदेश जारी किए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राम नाम पर सभी विधायकों की सहमति बनी और धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन में पास किया गया। श्री राम नाम के जयकारे हरियाणा विधानसभा के अंदर लगे। इतना ही नहीं, सदन के अंदर बीजेपी विधायकों की ओर से मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए गए। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।